दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि मैं चाह रहा था बजरी तोतों की ब्रीड बंद करना इस मौसम में गर्मियों में, और धीरे धीरे बंद करना चाह रहा था तो धीरे धीरे बंद हो गई है ब्रीड। आखिरी अप्रैल तक कुछ जोड़ों के बच्चे थे तो उन्होंने पाल लिए, और पाल के जब वो दोबारा मटकी सिलेक्ट कर रहे थे तो मैंने उनको जोड़ों को पकड़ लिया और धीरे धीरे एक एक जोड़ा करके पकड़ लिया और जोड़ों को इस केज में इकट्ठा कर दिया था। देखिए आप ये केज आप देख रहे हैं, ये वाला केज दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे बजरी तोतों के जो जोड़े हैं, ये ब्रीडिंग पेयर हैं जिनसे के ब्रीड लेता रहा हूँ मैं, और इसमें कुछ नए जोड़े भी हैं जो कि बनते जा रहे थे, नए जोड़े वो भी बन गए, कुछ पट्ठों के जो जोड़े बने थे वो भी हैं। तो ये यूँ कहेंगे कि कंप्लीट जोड़े हैं, और ये यूँ समझिए कि 74 के करीब हैं इसके अंदर बर्ड्स जो हैं, 74 नरमादा करके 74 हैं, यानी कि 37 जोड़े हैं। उसके अलावा 3 नर ज़्यादा हैं और फिर 2-3 जोड़े और अलग हैं जिनके के कुछ बच्चे पालना रह गए थे, वो 2-1 तो मैंने उनको अलग कर दिया था। और इसमें पकड़ने का एक और मकसद ये था कि जो बेकार किस्म के बर्ड्स थे वो पहचान लिए गए, इनको पकड़ने के बाद जो बेकार बर्ड्स बचे थे उनको मैंने सेल वेल कर दिया। और जो आपने देखे अभी जो बजरी तोते देखे, जोड़े जो देखे आपने कंप्लीट, उनके अलावा ये जोड़े भी हैं दोस्तों। ये क्या अपने बच्चे थोड़ा सा पालना रह गए थे, जैसे मैंने बताया था आपको कि इस जोड़े के तो अंडे ही थे, जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि अंडे समीत मैंने मटकी को लाके इसमें शिफ्ट कर दिया था और जोड़े को भी, और अंडे फर्टाइल थे और फिर इसी में ही बच्चे निकाल लिए इन्होंने, यानी कि अंडे नहीं छोड़े मादा ने। और देखिए ये बच्चे हैं, और एक और ये मैंने आज अलग कराए, और आज देखिए मैंने अलग करा ये जोड़ा और इसके बच्चे हैं, इसके अंडे नहीं थे इसके बच्चे हैं। तो बजरी तोतों को तो कभी भी कैसे भी अलग कर दो, कहीं भी रख लो और वो ब्रीड वैसी करते रहते हैं, या यूँ समझिए कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों को पाल लेते हैं, अंडे हैं तो अंडों में से बच्चे भी निकाल लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों। तो दिख रहा होंगे आपको कि ये चारों बच्चे हैं और ये अब खूब अच्छी तरह से पाल लेंगे इनको। अब आप देख रहे हैं ये कॉलोनी है जो साफ़ पड़ी है, पूरी साफ़ हो गई है और ख़ाली है, इसमें कोई भी बर्ड्स नहीं है। और अब हम छोड़ते हैं इसमें परिंदों को, उससे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें डिटोल डाल देंगे, और थोड़ी सफाई कर दी है मैंने, और अब डिटोल का छिड़काव कर देते हैं अच्छे से, आसपास भी और अंदर भी कर देता हूँ मैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये पानी की बॉटल है 400 ml की, और इसमें 1 ml 2 ml के करीब डिटोल डाल लीजिए आप। डिटोल इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको ऐसे हिला के और इसका छिड़काव कर देंगे। छिड़काव देखिए आप, छिड़काव ऐसे करेंगे कि ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं आप, आसपास भी कर सकते हैं, पिंजरे के पीछे अगर दीवारों के दीवार से लगा हुआ पिंजरा है तो ऐसे कर दीजिए। तो इस तरह से डिटोल डाल देंगे और मैं अंदर भी, तो ये देखिए आप डिटोल का छिड़काव अच्छे से कर देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर नीचे जैसे फर्श पे भी छिड़काव कर देते हैं डिटोल का तो कोई नुकसान नहीं होता, बस ये कि जैसे मैंने बताया 400 ml पानी में आधा ढक्कन या एक ml 1.5 ml 2 ml के करीब डिटोल मिलाएं आप, और इसके बाद ऐसे छिड़काव कर दें। तो इससे अगर आप नीचे भी छिड़काव करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बर्ड्स को इससे कोई नुकसान होगा या दाना इस पर गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो इस तरह से बस ये छिड़काव करके और अब हम छोड़ते हैं बजरी तोतों को। अब बजरी तोतों को इसमें छोड़ देते हैं दोस्तों और इसमें ही रहेंगे अब, जब तक मटकियाँ नहीं लगाऊंगा मैं, जब तक बजरी तोते इसी में रहेंगे, और मटकियाँ लगाऊंगा जुलाई में, जुलाई के यूँ समझिए कि फर्स्ट वीक में मटकियाँ लगाने का सोच रहा हूँ मैं, और बाकी देखते हैं आगे मौसम के हिसाब से क्या होता है। तो छोड़ते हैं बजरी तोतों को इसमें। अब दोस्तों ये पिंजरे को हमने कॉलोनी के पास कर दिया है, और अब एक एक करके छोड़ना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ कि इसको एक तरफ से खोल देता हूँ पिंजरे को, और इस तरफ से देखिए आप एक तरफ से कॉर्नर से इसकी जाली खोल के, और पिंजरे को मैं क्या करूँगा कि इसमें आड़ा कर दूंगा, तो इसमें से निकल के बजरी तोते इसमें चले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी हैं ये, 70-75 के करीब हैं और भी ज़्यादा हैं, तो इनको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए एक तरफ से खोल दिया है मैंने, ये देखिए अब इसको आड़ा करते हैं। इससे पहले आप को दिखा दूं तोते। अब
दोस्तों इनको भगा देंगे और इधर से थोड़ा सा भगाएंगे तो ये कॉलोनी में जाते जाएंगे उड़ उड़ के। ये देखिए ये सब निकल के जा रहा है कॉलोनी में, देख रहे होंगे आप, ये सब जा रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये धीरे धीरे बजरी तोते इसमें जा रहा है, कॉलोनी में जा रहा है, इन्हें भी उड़ के। और आप तो देख रहे होंगे चार पांच छह ऊपर बैठ गए जाके। आपको दिख रहा होंगे ये सब जा रहा है, ये उड़ते हुए जा रहा है कॉलोनी में। अब मैं अगर एक एक करके छोड़ता तो बड़ा टाइम लग जाता और बहुत परेशानी होती पकड़ने में, और फिर इनके पर मर जाने का, दुम टूटने का भी डर रहता है। तो इसलिए अब इस तरह से मैंने सोचा कि इसको लगा के और छोड़ देते हैं। अब ये अकेला बचा, देखिए अब इसको भी, वो भी गया। तो अब देखिए यहाँ से, देखिए दोस्तों ये सब अंदर चले गए कॉलोनी में। अब दोस्तों ये सारे बजीज वापस कॉलोनी में आ चुके हैं और देखिए थोड़े से डरे हुए हैं, हालांकि इनकी पुरानी कॉलोनी है लेकिन अभी आए हैं। तो एक तरफ चिपके हुए हैं जाली से और मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं कहीं उड़ जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा और आसानी से सब आ गए पिंजरे से वापस इसमें कॉलोनी में आ गए। तो ठीक है दोस्तों, फिर इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाया करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों।